प्रदेश मुख्यालय में बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रखी है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में मंथन कर रहे हैं और इस बैठक में बड़े चेहरों की बात करें तो विजय राहटकर और सीपी जोशी के साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इस बैठक में कल जो परिणाम सामने आए हैं राजस्थान में, उनको लेकर चर्चा की जा रही है। जयपुर में भाजपा मुख्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं पदाधिकारियों के साथ। बैठक में मंथन किया जा रहा है कि आखिर सीटों का आंकड़ा कम कैसे हुआ। सभी पदाधिकारियों से इसको लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सेन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। अनिल, महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कही जा सकती है क्योंकि कल परिणाम आने के बाद जो अपेक्षित था वो नहीं मिल पाया और अब उस पर मंथन किया जा रहा है। क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल, चुनाव नतीजों पर ये बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है और खासतौर से विधानसभा वार रिपोर्ट यहाँ पर बीजेपी संगठन की ओर से तैयार की गई है। हमने देखा कि 6 महीने पहले ही जब विधानसभा चुनाव थे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आगे निकले थे और 115 सीटें यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस लोकसभा सीट चुनाव के अंदर नहीं रह पाया। इसकी वजह क्या रही, ये कहीं ना कहीं कारण ढूंढने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसी को लेकर संगठन स्तर पर हम देख रहे हैं। विधानसभा वार रिपोर्ट तैयार की गई है, विधानसभा में देखा गया है कि किस मंत्री के यहाँ से कितने वोट मिले थे, किस मंत्री के क्षेत्र से वोट इस बार कम मिली, किस विधायक के क्षेत्र से वोट जो है वो यहाँ पर कम मिला और जहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस भी हुआ है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो वो कौन सी सीटें, ये रिपोर्ट जो पूरी जो है बनाकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके यहाँ पर भेजी गई है और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि एक वीसी भी यहाँ पर होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम स्टेट से जुड़ेंगे। तो यहाँ से राजस्थान से भी चुनाव से प्रभारी विजय राहटकर जुड़ेंगे और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उस वीसी के माध्यम से होने वाली बैठक के अंदर शामिल वहां पर होंगे। तो कहा जा सकता है लबोलबा बैठक का यही है, चुनाव नतीजों को लेकर राजस्थान में ये नतीजे कैसे रहे और भारतीय जनता पार्टी जो 25 सीटों का अनुमान लगा रही थी, क्या वजह रही कि 14 सीटों पर संगठन रह गई, 11 सीटें दूसरी पार्टी के खाते में यहाँ पर चले गए, उसके कारणों को यहाँ पर तलाशा जा रहा है। बिल्कुल अनिल, तो क्या ये माना जाए कि इस बैठक के बाद जो मंथन होगा उसमें कुछ, जाहिर सी बात है जिन जगहों पर प्रतिशत बढ़ा है मतदान का वहां तो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, लेकिन जहां पर मतदान का प्रतिशत घटा है वहां जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव को लेकर उन पर किसी तरह का कोई एक्शन हो सकता है? संभावित पूरा नजर आ रहा है। देखिए प्रभात, क्योंकि एक जिम्मेदारी तय की जाती है, हमने देखा था कि प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग सीटों पर लगाया गया था, तमाम जो मंत्री थे सरकार के, भजनलाल सरकार के, उनको अलग अलग लोकसभा सीटें दी गई थी, तो इनका परफॉर्मेंस तय किया जाएगा कि आखिरकार अब जो लोकसभा सीट के आधार पर आजीत यहाँ पर तय हुई है, एक परफॉर्मेंस का आकलन वो होगा। दूसरा परफॉर्मेंस ये होगा कि संबंधित मंत्री जहाँ से जीत कराया, जिस विधानसभा से जीत कराया, उसकी स्थिति क्या रही है, एक परफॉर्मेंस का आधार ये भी यहाँ पर रहने वाला है और उसके साथ साथ विधायक का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक था उसके क्षेत्र से लोकसभा का जो रिजल्ट यहाँ पर रहा है उसमें पार्टी के पक्ष में किस तरह का मैंडेट रहा है, किस तरह का जो जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव कनेक्टिविटी है, उसको क्या वोट में पहले एक तरह तब्दील यहाँ पर किया या फिर प्लस में गए या माइनस में गए, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि संगठन के स्तर पर अगर देखा जाए जिम्मेदारी देने की बात हो या फिर फेरबदल की बात हो, भविष्य में हम देखेंगे मंत्रिमंडल फेरबदल भी यहाँ पर राजस्थान में होने वाला है, तो उन तमाम चीजों को जिम्मेदारी वहां पर दी जाएगी। तो ये जो आकलन होगा, ये जो समीक्षा होगी और इसमें जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला जो पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता होगा उसको फिर तवज्जो वहां पर मिलती है और खासतौर से